थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए वहां से, खराब हो जाएगा आवाज, फट जाएगा पूरा। सही है। रिस्पेक्टेड गेस्ट, कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबको दिल की अता गहराइयों से सेफ्टी वीक और सेफ्टी डे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेफ्टी वीक या सेफ्टी नेशनल सेफ्टी वीक या नेशनल सेफ्टी डे क्यों मनाते हैं? नेशनल सेफ्टी डे नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया का 1966 में लेबर डिपार्टमेंट ने स्थापना की थी कि पूरे मुल्क में लोगों के अंदर वर्क प्लेस सेफ्टी से अलावा हम अपनी निजी जिंदगी, रोड सेफ्टी, हर तरह के घटनाओं दुर्घटनाओं से रिलेटेड अवेयरनेस देने के लिए ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया का बुनियाद रखी गई 1966 में लेबर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तरफ। हम ये संस्था की जो बुनियाद रखी गई है 4 मार्च को रखी गई थी, तो हम स्टार्टिंग से ही 4 मार्च को बाद के दिनों में नेशनल सेफ्टी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद हम नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने नेशनल सेफ्टी डे के जगह पर नेशनल सेफ्टी वीक मनाने की घोषणा की, कहा, और फिर उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जितने कार्यस्थल हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस वीक में तरह तरह के एक्टिविटीज किए जाते हैं, और मैं पिछले 5-7 सालों के करियर में मैं देखा हूँ दिन पर दिन ये सेफ्टी वीक या सेफ्टी डे की क्या कहेंगे, मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, लोग सेलिब्रेट करते जा रहे हैं, इसलिए हम भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट की स्थापना दिवस ना मनाकर हम भी नेशनल सेफ्टी वीक के स्थापना दिवस को ही सेलिब्रेट करते हैं। हमें सेफ्टी क्यों जरूरी है? सेफ्टी हमारे जिंदगी का सबसे पहला इंपोर्टेंस है। हर आदमी जीना चाहता है, हर आदमी जीना चाहता है, हर और जब से ये धरती वजूद में आई और मरने तक हर वक्त इंसान सेफ्टी के बारे में सोचता है और करता है। माँ की गोद में या माँ के पेट में से लेकर कब्र के जाने तक या शमशान घाट तक जाने तक हम सेफ्टी की देखते हैं। मुस्लिम लोग, रिलीजियस क्या मैटर है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड देखा जाए तो किसी भी लाश को, मुर्दे को दफनाया जाता है, इससे हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित होता है, पोल्यूटेड नहीं होता है, कहीं पे इसे जलाकर नदियों में फेंका जाता है, कहीं पे चीत कौवे को खिलाया जाता है, यहाँ पर भी हमारा एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट, एनवायरनमेंट के पोल्यूटेड होने से बचाने का एक शैली है, तरीका है। माँ की गोद में भी रहता है तो बच्चे को पैदा होने से पहले बहुत सारी दवाइयों का, बहुत सारे चीजों को अपनाया जाता है ताकि बच्चा सही सलामत जन्म ले। इस तरह हम देखते हैं कि सेफ्टी की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। राजे महाराजे अपने जब जंग पे जाते थे उस वक्त भी शील इस्तेमाल किया करते थे, मेष का बना हुआ उनके शरीर पर खोल होता था, कपट होते थे जिसपे तलवारें काम करती थी न करे। इवन क्रिकेट में भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर या कोई भी देखेंगे, वो लोग भी जब अपने फील्ड में उतरते हैं तो उनके पास भी सेफ्टी का, जिसे हम पीपी कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो पहन कर उतरते हैं, हैंड ग्लोव, हेलमेट, पैड और बहुत सारे चीज, शूज, ये सारे सेफ्टी के पार्ट्स हैं। ठीक है, आखिर ये सेफ्टी की जरूरत क्यों हुई, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की शुरुआत कहां से होती है? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे घरेलू सनअत उभर कर सामने आई, छापे खाने, कपड़े के मिल, और जब लोग वहां पे काम करने जाने लगे तो वहां पे खरीट आने लगी, लोगों को एक्सीडेंट होना लगा,
और उस मशीनों के जरिए जो काम चलता था उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होने लगा। इस हालात से बचने के लिए कंपनियों को ये लगा कि जब तक हम मजदूरों की सेफ्टी नहीं देखेंगे ये इस काम को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर वहां से इंडस्ट्रियल सेफ्टी की शुरुआत होती है और ये बढ़ते बढ़ते आज हम तक आ गई है। लेकिन आज भी जितनी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी की रोकथाम हो रही है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की अवेयरनेस हो रही है और एक्सीडेंट को रोकथाम की जा रही है, फिर भी बहुत ही कम है। मैं एक डेटा बताऊं, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है कि हर 15 सेकेंड में वर्क प्लेस पर एक आदमी की मौत हो जाती है। अगर इसे आप कैलकुलेट करें तो हर रोज मोर देन 5000 आदमी की मौत होती है वर्क प्लेस पे। आप सोचें उस बात को कि अगर एक राजधानी ट्रेन दुर्घटना से ग्रस्त हो जाती है और उसमें 50 लोग मारे जाते हैं, हमारे ख्याल से वो देश की सबसे बड़ी न्यूज बनेगी। अगर कोई एरोप्लेन फ्लाइट एक्सीडेंट करती है तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज होती है। लेकिन हर रोज 5000 वर्कर दम तोड़ते हैं काम करने के दौरान पूरे वर्ल्ड में। ये मैं नहीं कहता हूं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, उसकी ये डेटा है। हर रोज 5000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतरते हैं काम करने के दौरान। लेकिन सारे एनजीओ, सारे गवर्नमेंट और भी संस्थाएं खामोश दिखाई देती है, शायद इसलिए कि शायद मरने वाला व्यक्ति कोई बड़े घर का नहीं होता है, कोई मजदूर होता है, कोई लेबर होता है। लेकिन हम जरा गौर करें, अगर हमारे पास ये मैन पावर जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, अगर इसी तरह एक्सीडेंट होते रहे इनकी और ये मरते रहे तो फिर हमें कोई ताजमहल भी बनाकर नहीं दे सकता है। हो सकता है हमारे पास काफी पैसे हो, हमारे पास काफी दौलत हो, हमारे पास काफी वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हो, लेकिन हमारे ख्याल से बगैर लेबर बगैर वर्कर की ये काम मुश्किल है कि कोई ताजमहल बन जाए या दिल्ली या कहीं किसी जगह पे मेट्रो स्टेशन की स्थापना हो। इसके अलावा हिंदुस्तान की सेफ्टी की दशा को देखें तो बहुत ही पुअर है, शायद वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर डेटा भी नहीं मिलती है कि हर साल कितने लोग वर्क प्लेस पे मारे जाते हैं, शायद नहीं मिलती है। कुछ डेटा रोड एक्सीडेंट से मिलती है, हर घंटे में रोड एक्सीडेंट में इंडिया में एक घंटे में एक व्यक्ति मौत का शिकार हो जाता है, एक घंटे में एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। रोड एक्सीडेंट के अलावा अगर आप देखते हैं, हम अपने घरों में देखें, जहां हमारी माँ बहने बीवियां बेटियां काम करती है, वहां भी सेफ्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है। आज हर लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे सिलेंडर में। ये लैक ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस है, हम नहीं जानते हैं। हमारे छोटे बच्चे जो है सीढ़ियों से गिर जाते हैं। एक रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान में 14 साल से नीचे बच्चों की गिरने की सीढ़ियों से, मैं भूल रहा हूं कि काफी ज्यादा है, काफी बच्चे गिरते हैं और उनके चोटें लगती है। तो हमें सिर्फ वर्क प्लेस की सेफ्टी कहीं नहीं बल्कि रोड सेफ्टी, और रोड सेफ्टी नहीं, हमको अपने जीवन जिंदगी के जो घर में हम रहते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक लाइफ है, इससे भी अवेयरनेस लेने की जरूरत है। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल इसी चीज का वो सेफ्टी वीक मनाने को करता है कि हम अपने घरों में मोहल्लों में हर जगह सेफ्टी को फैलाएं, बढ़ाएं, लोगों को बताएं। हमारे घर में किसी के हार्ट अटैक हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम रिमोट इलाके में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हमारे घर का किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाती है, हम नहीं जान पाते हैं कि हम इसको क्या कर पाए। ये बहुत ही दुखद बात है। अगर हर आदमी को एक बेसिक अवेयरनेस अगर वो उसको सेफ्टी के बारे में दी जाए तो शायद वो अपने घर के किसी फर्द को हार्ट अटैक से बचा सकता है। गांव में देहातों में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग काम करते वक्त मारे जाते हैं पूरी दुनिया में, जिसका कोई लिखा जोखा नहीं है, कोई डेटा नहीं है हमारे पास। दूसरी जो सबसे बड़ी सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जहां पे लोग काम करने के दौरान मारे जाते हैं। हम घरों में इंडस्ट्रियल जो काश्तकारी की जो काम एग्रीकल्चर करते हैं, वहां पे सांप बिच्छू आते हैं,
हम नहीं जानते कि हमें सांप काट गया तो उस वक्त क्या करना होता है। हम क्या करते हैं, विक्टिम को गाड़ियों में लादते हैं, लाद कर फिर क्या है, अरेस्ट होते हैं, दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। और आपको पता है कि अगर फर्स्ट एड नहीं दी जाती है तो आदमी जो विक्टिम होता है उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होता जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को सेफ्टी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट एड, हार्ट अटैक में क्या करेंगे, ये होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये नॉलेज होनी चाहिए, वो अपने घर में किस तरह की सेफ्टी करे, रोड पे बात। आम लोग सोचते हैं कि रोड पे हर लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवे है उसके साथ ज्यादा एक्सीडेंट होता है। आपको ताजुब हुआ ये बात जानकर, नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट की रेट जो है बहुत कम है, उससे ज्यादा कहीं स्टेट हाईवे पे है, और स्टेट हाईवे से ज्यादा हमारी गलियों में एक्सीडेंट होती है। और मरने वाले लोगों की उम्र जो होती है वो 18 या 15 से 25 साल की होती है, जो हमारा युवा पीढ़ी है। इसलिए तो क्या करता है, बाइक चलाता है, उसे कोई कंसेप्ट नहीं है सेफ्टी की, वो इतना रेकलेस ड्राइविंग करता है अपने गलियों में, क्या कहा जाता है। आप देखें बड़े बड़े घरों के बच्चे भी एक्सीडेंट में मारेंगे। आपने अजरुद्दीन का नाम सुना होगा, उसका बेटा भी हैदराबाद में ये बाइक एक्सीडेंट में ही मरा था। तो मैं अपने युवा पीढ़ी से भी ये आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, या अपने स्टूडेंट से भी आग्रह करता हूं कि आप भी बाइक चलाएं तो जरा सोच समझ कर चलाएं, और दूसरों को भी निर्देश दें कि रेकलेस ड्राइविंग ना करें, इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। हमारे बजट का, पूरे हिंदुस्तान के बजट का 10% हिस्सा सिर्फ एक्सीडेंट में जाता है, ये सोचने वाली बात है। अगर हर व्यक्ति को बेसिक सेफ्टी नॉलेज हो तो इस एक्सीडेंट को रोक सकता है, खुद अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी इसके बारे में बता सकता है। इसलिए हमें सुरक्षा से सेफ्टी के साथ जीना चाहिए, ये हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये रही सेफ्टी से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। इसके अलावा जरा सा मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं। हमारे यहाँ 1 ईयर की जो प्रोग्राम होती है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सेफ्टी की ही जानकारियां नहीं दी जाती है, बंदे को कॉम्पिटेंट नहीं बनाया जाता है, बल्कि हमारी ये कोशिश रहती है हम अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट को सिर्फ सेफ्टी के साथ साथ देश के कहीं उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो, उनको अपने समाज के रिलेटेड जिम्मेदारी के एहसास हो, अपने घर बड़ों बुजुर्गों को रिलेटेड उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। और यही कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।